हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। टॉपिक आपका यहां पर लिमिट है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 12th ऑफ जनवरी, शिफ्ट 1। वीडियो का पार्ट 1 हमने दिया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो लिमिट x चेंज टू पाई बाय 4 कोट क्यूब x माइनस 10x अपॉन कोस x प्लस पाई बाय 4 इज 4√2 4 8 एंड 8√2। सिंगल करेक्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको दे रखा है लिमिट x चेंज टू पाई बाय 4 कोस, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर दे रखा है बच्चों। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस हो साइन ए साइन बी, भाई कोस ए कोस बी माइनस हो साइन ए साइन बी, ठीक है। बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, राइट। अब न्यूमरेटर जो है वहां पर कोट क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 x - 10x, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट एक्स क्या होता है, 1/10 x होता है, वी नो दैट, राइट। सो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये पूरे पे आपकी लिमिट लग जाएगी, राइट। अब न्यूमरेटर का एलसीएम अगर आप लेते हो तो आपको 10³x आपको मिल जाएगा एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 1 - 10⁴x न्यूमरेटर में आ जाएगा, और कोस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, इसको आप कॉमन ले लोगे, और यहाँ ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 आपका है ही सही, ये जो का त्यों आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अब जो ये न्यूमरेटर है आपका 1 - 10⁴x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 1 - 10²x लिख सकते हैं और 1 + 10²x लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करके लिख दिया, 1/√2 cos x - sin x आ ही रहा था, और यहाँ पर आपका क्या है, 10³x था ही नीचे, एलसीएम आपने जो लिया था वो वाली वैल्यू, एक बार देख लो यहाँ पर, यही है ना स्टेप्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं, नहीं, ठीक है। अब ये रूट टू तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, लिमिट के बाहर ही कर दो इसको, ठीक है। ये तो बन गया आपका sec²x, ठीक है, और ये आपका 10³x एज इट इज है ही सही, cos x - sin x यहाँ भी एज इट इज लिखी दो आप, भैया 1 + 10²x क्या होता है, sec²x होता है साहब, और इसको अपन साइन अपॉन कोस में कर लेते हैं, तो ये sin²x / cos²x बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बिल्कुल बनेगा, तो ये √2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 तो एज इट इज आ गया, यहाँ आप एलसीएम लोगे इसमें क्या आएगा, cos²x आएगा, तो cos²x - sin²x तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका sec²x आ गया था, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया cos x - sin x और ये हो जाएगा 10³x, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ गया साहब, और लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 आ गया साहब, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला क्या बन रहा है, cos²x - sin²x, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो आएगा उससे ये डिनोमिनेटर का कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा अगर लिखना चाहें तो पूरा लिख दें पहले, इसको आप लिख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन इनटू यहां पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ऊपर दो, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स टेन क्यूब एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है भैया। आप यहाँ देख लो एक बार ये स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है ना, तो थोड़ा सा बार बार देखने में दिक्कत आ जाती है। यहाँ रूट टू आपका एज इट इज आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर आपका एज इट इज आ गया, राइट। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो उसको हमने लिख लिया है बच्चों कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी करके करेंगे। ये जो था ना, ये इसको क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज आप लिख दोगे ये वाली टर्म, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और ये कोस स्क्वायर एक्स भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब देखो इससे ये टर्म कैंसिल हो गया रूट टू, ठीक है बच्चों, आ गई ना बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। अब ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा सेक की पावर फोर एक्स अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका टेन क्यूब एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर कोस एक्स प्लस साइन एक्स ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया रूट टू, अब यहां पर बस लिमिट डाल दो ये पाई बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर पाई बाई फोर डालेंगे यहां पर एक्स की जगह, तो वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू ये बनेगा, ठीक है। और यहां पर बनेगा आपका रूट टू की पावर फोर, ठीक है, और ये तो हो जाएगा वन, अब यहां पर आप देख लो ये बना रूट टू, ये बना टू अपॉन रूट टू, ठीक है, और ये हो गया रूट टू की पावर फोर, यानी कि ये हो गया फोर आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एट इसका आंसर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्यारे बच्चों देखें क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर सिक्स में, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2019 में आया हुआ है, जेई मेन 11 जनवरी शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कोट फोर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी टू। सो आपको यहां पर दे रहा है है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, और ये आपका कोट स्क्वायर टू एक्स अगर ऊपर ले जाएं हम तो ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर टू एक्स बन जाएगा, और कोट फोर एक्स को अगर हम नीचे ले आए तो ये टेन फोर एक्स बन जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं टेन एक्स क्या होता है वन अपॉन कोट एक्स होता है, ठीक है।
टेन एक्स क्या होता है, 1/cotx होता है, तो cotx क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, राइट। अब हमको बनाना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहां पर बना ऊपर तो x स्क्वायर और नीचे बना साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसको एक साथ कर दो और ये हो जाएगा आपका 1/x टेन स्क्वायर 2x अपॉन यहां पर आ जाएगा टेन 4x, राइट। अब देखो इसको भी अपने को सेट करना है, तो यहां 4x स्क्वायर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट, ताकि इसका भी कार्यक्रम जो है सेट हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट का भी। अब यहां पर 4x है तो यहां भी हम 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका भी कार्यक्रम जो है आपका सेट हो जाएगा। अब देखो आप यहां से ये x और ये x से ये x स्क्वायर हट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको हम क्या लिख सकता हूं, x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। ये मेरा हो गया टेन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर बन गया साहब, और ये आपका बनेगा 4x अपॉन टेन 4x बना, ठीक है। अब आप देख रहे हो जब लिमिट x टेंस टू जीरो इस पर लगेगा तो ये भी 1 मिलेगा, इस पर लगेगा तो ये भी 1 मिलेगा, इस पर लगेगा तो ये भी 1 मिलेगा, तो 1 square into 1 square into 1 that is equal to 1। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यहां पर करना है आपको लिमिट वाई टेंस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस रूट 2 2019 जेई मेन 9th of January शिफ्ट नंबर 1। ऑप्शन ए एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/4√2 डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/2√2 एंड ऑप्शन डी एग्जिस्ट एंड इक्वल 1/2√2 रूट 2 प्लस, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख करके ये पता लगा रखे हो कि यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके की जब भी फॉर्म आपकी लिखी हुई है तो आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशनलाइज कर लेंगे लिमिट वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर वाई लिमिट है तो वाई लिखेंगे अपन, ठीक है। लिमिट वाई टेंस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2, राइट। डिवाइड बाय वाई टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2, राइट। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्लियर, वी नो दैट, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, क्लास 9th का बच्चा भी जानता है, क्लास 10th का बच्चा भी जानता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा y टेंस टू जीरो, डिनोमिनेटर में y टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2, ये तो एज इट इज आ गया, और यहाँ आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, ठीक है, क्योंकि ये a है ये b है ये a है ये b है, तो a स्क्वायर करेंगे तो इसका ये स्क्वायर हट जाएगा, और माइनस b स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का भी स्क्वायर कर रहे हो तो 2 बचेगा, ठीक है, और ये टर्म आ जाएगी साहब। अब यहाँ पर आप देखो
लिमिट y टेंस टू जीरो आ गया था, डिनोमिनेटर तो ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर फोर माइनस वन बचा। अब इसको वापस से न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने की इच्छा हो रही है हमारी, तो इसको हमने क्या करा, वापस से रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो हमने ये रेशनलाइज कर दिया। अब वापस से ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया। तो यहाँ पर से अगेन अगेन यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, तो यहाँ बचेगा वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर फोर माइनस वन। एक सेकेंड, हाँ ये नहीं आएगा आगे का, ये भी हट जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको, भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, वन प्लस वाई की पावर फोर बनेगा सबसे पहले, तो वन प्लस वाई की पावर फोर और माइनस वन बनेगा, ठीक है। नीचे वाई टू द पावर फोर बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर फोर, इसके साथ प्लस रूट टू था है ना, प्लस रूट टू यहाँ पर आ जाएगा, और सेकेंड टर्म आपकी थी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई टू द पावर फोर प्लस वन, राइट, ठीक है। ध्यान से देख लियो अब, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम ये लगा ही चुके थे, इसके बाद हमको ये टर्म मिली थी, इसको अगेन रेशनलाइज करा न्यूमरेटर को, तो ये टर्म मिल गई। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में वापस a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो यहाँ पर a क्या है, वन प्लस वाई की पावर फोर है ना, स्क्वायर रूट भी था तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो वन प्लस वाई की पावर फोर बनेगा और यहाँ माइनस वन आ जाएगा, राइट। सो वन से वन कट गया, y स्क्वायर की पावर फोर से y की पावर फोर कट गया। अब हम यहाँ पर y टेंस टू जीरो यानी कि y की जगह हम जीरो पुट कर दें, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस रूट टू इंटू यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन, राइट। सो ये बनेगा यहाँ पर, ये हो गया वन और ये हो गया वन, तो ये हो गया टू और ये हो गया रूट टू, रूट टू प्लस रूट टू यानी कि टू रूट टू, तो ये बन गया राइट, और ये बन गया आपका टू यानी कि वन बाय फोर रूट टू, ठीक है। ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमको यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू वन अपॉन फोर रूट टू के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।